सो हेलो जी, संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा पिछले 15 दिनों से यूट्यूब के ऊपर चल रहा है एंड इस वजह से बहुत बड़ी बड़ी फैन वॉर्स भी चल रही है, जहां पर बहुत सारे लोग अपने फेवरेट यूट्यूबर, अपने फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर सही है एंड कौन सा गलत है और कितना गलत है, एंड साथ के साथ मैं ये बात करने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और इससे आपको क्या सीखना चाहिए। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि कौन मोटिवेशनल स्पीकर सही है और वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो संदीप महेश्वरी सर की, उन्होंने जब वो वीडियो बनाई उसके अंदर कभी भी किसी का नाम नहीं था। जो उन्होंने वीडियो बनाई उसके अंदर सब कट करके जो एक अच्छे से अच्छा नॉन कॉन्ट्रीवर्शियल वीडियो बन सकता था वो बना। एंड बहुत सारे कोर्सेज जो हैं अभी भी मार्केट में चल रहे हैं। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। आज से कुछ 15 दिन पहले मेरे MBA के एग्ज़ाम चल रहे थे एंड उस एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था YouTube से एंड क्लासेस ले रहा था। एंड कुछ भी 3 घंटे की मैराथन क्लास थी जिसके अंदर हर 15 मिनट के बाद कुछ ना कुछ एक ऐड आया करती थी। एंड उस ऐड के अंदर सबसे पहली ऐड आई मुझे एक 9 रुपये का कोर्स बेच रहा बंदा, दूसरी ऐड आई मेरे पास एक 1400 कुछ AI टूल्स यूज़ करने के बाद उसके पास एक 11 टूल्स निकले हैं, वो टूल्स हमको बताएगा कुछ 99 रुपीज़ में, आई डोंट नो। एंड उसके बाद मेरे पास थर्ड एक ऐड आई कि यू डोंट नो आर्ट ऑफ लिविंग, मैं तुम्हारे को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाऊंगा। चौथी ऐड आई मेरे पास आई डोंट नो कि क्या क्या ऐड्स आ रही थी। मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ ना, सब के सब लोग अपना एक नया कोर्स बना बना कर बेच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर संदीप महेश्वरी सर का कहने का मतलब था कि कोई भी लोग जो ये कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत चीज़ है। दूसरी चीज़, उस वीडियो के अंदर बात हुई है MLM की। एंड MLM जो है, मैं हर वक्त कहता हूँ, अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि MLM बहुत गलत चीज़ है। मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है उसके अंदर जो ऊपर टॉप के लोग होते हैं वो कमा लेते हैं एंड लास्ट के लोग जो होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, उनका पैसा जो है वो सब ऊपर लेवल वालों पर चला जाता है। तो यहाँ पर वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे एंड मैं टोटली एग्री करता हूँ उनकी बातों से एंड मैं भी कहता हूँ कि वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर विवेक बिंद्रा इतना ज़्यादा भी गलत नहीं है। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो अपना एक बिज़नेस कर रहे हैं जिसके अंदर वो कोर्स भेज रहे हैं जिसके अंदर वो लोगों को सिखा रहे हैं कि वो बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। मे बी वो सब चीज़ें आपको YouTube पे फ्री मिल रही हैं, लेकिन दिस इज़ बिज़नेस प्रो। जो तुम्हारे पास फ्री में भी मिलता है, कोई कोई लोग तो उस चीज़ के लिए पैसा देते हैं। यही तो है, पानी भी तो फ्री है लेकिन उसके लिए तुम पैसा दे रहे हो बिकॉज यू थिंक कि वो ज़्यादा प्योर पानी है। और वही बात है, वो विवेक बिंद्रा का कोर्स है, तुम इसीलिए पैसा दे रहे हो क्योंकि तुमको लगता है कि YouTube के ऊपर कुछ सही नहीं है जो ये विवेक बिंद्रा तुमको सही समझा देगा या बता देंगे, तो इसी चक्कर में तुम ज़्यादा पैसा दे रहे हो। एंड यहाँ पर तुमको क्या सीखना चाहिए, सिर्फ एक चीज़ सीख लो कि कभी भी किसी भी इन्फ्लुएंसर के ऊपर भरोसा नहीं करना। एक चीज़ तुमने नोटिस करी, जो भी ये सब ऑडियंस है ना, ये सारे पुअर मिडिल क्लास और यही लोग हैं, सिर्फ पुअर और मिडिल क्लास, और इसकी बहुत सारी संख्या है अपने इंडिया के अंदर। और ये बहुत सारे लोग दो चीज़ सबसे पहले करते हैं। सबसे पहली चीज़, लोगों पे विश्वास, वो दूसरे बंदे पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसी वजह से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इनको अच्छे से बहला फुसला के अपना प्रोडक्ट कोर्स बेच देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो अपना पैसा जो है वो बहुत संभाल कर लगाते हैं। लेकिन वही जहाँ किसी के ऊपर भरोसा करने, किसी पे विश्वास करने की बात आ जाती है ना, तो वो अपना पैसा ध्यान नहीं रखते, वो किसी पे विश्वास कर लेते हैं। एंड यही कारण है कि बहुत सारे मिडिल क्लास लोग जो हैं यही आस में कि ये इन्फ्लुएंसर, ये विवेक बिंद्रा सर जो हैं, ये मुझे सच सही और एक अच्छी राह दिखा रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला आगे जाके, तो वो अपने प्रोडक्ट के लिए 50 या 1 लाख रुपये भी भर देंगे, चाहे वो पैसे कहाँ से भी ला रहे हों। यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, इन्फ्लुएंसर जो है वो कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी, चाहे मैं भी हूँ या कोई भी है, वो सिर्फ अपनी जेब भरना चाहता है, वो कभी भी किसी के सामने वाले की हेल्प नहीं करना चाहता। इन रियलिटी यू आर ऑल्सो लाइक दिस। तुम पहले खुद की सोचोगे या लोगों की सोचोगे? अगर तुम लोगों की सोच रहे हो देन बहुत बड़े दानवीर हो आप, समझ रहे हो, बहुत सारा आपको उसके लिए समझना पड़ेगा। लेकिन YouTube के ऊपर नहीं है ऐसे दानवीर। एक ट्रेंड आते ही लोग वीडियो बना देते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा वीडियो बनेंगी, जितने ज़्यादा उतने ही ज़्यादा व्यूज़ आएंगे ताकि ये कॉन्ट्रोवर्सी बढ़े। बहुत सारे लोग इसीलिए वीडियो बना रहे हैं कि ये कॉन्ट्रोवर्सी और ज़्यादा बढ़े, ताकि और ज़्यादा लोग सर्च करें, ताकि और ज़्यादा उनके व्यूज़ आएँ, समझ रहे हो? सिर्फ यही कारण है।
यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर सब पैसा कमाने बैठे हैं। तुमको ये समझ आ जाना चाहिए अभी से, कोई अपना कोर्स बेच रहा है तो समझो उसका पीछे मोटिव क्या है। उसका मोटिव है पैसा कमाना, पैसा कमाना। कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है, एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट मर्चेंडाइज आजकल बहुत चलती है कि अपनी टी शर्ट हुडीज बेच रहे हैं, वो क्या करते हैं लोकल मार्केट से सस्ते में हुडीज टी शर्ट लाते हैं फैक्ट्री से, एंड वो आपको बेच देते हैं बहुत महंगी, जैसे कि 1500 की लाए, खुद का सिर्फ एक लोगो लगाया एंड वही 3-3.5 हज़ार की आपको बेचेंगे। एंड बहुत ऐसा भी होता है कि बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जब आपको वो चीज़ बेचते हैं वो 1 घंटे के अंदर सोल्ड आउट हो जाती है, सोल्ड आउट इन 1 आवर, एंड 1 घंटे में मतलब उन्होंने कितना सारा प्रॉफिट कमा दिया। यानी उनके पास अगर 100 हुडीज़ का स्टॉक है और हर हुडी पे वो 1500 रुपये कमा रहे हैं, दैट मीन्स उन्होंने घर बैठे बहुत लाखों में पैसा कमा लिया है, समझ रहे हो। तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो लाखों कमा लेंगे लेकिन आप अपना नुकसान करवा लेंगे, ठीक है। तो ये बात समझिए, एक जागरूक नागरिक और एक जागरूक कस्टमर भी बनिए, ठीक है। और कुछ भी हो उसको सोच कर खरीदिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बस इससे एक थोड़ी सी नॉलेज एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मेरा किसी को भी डीमोटिवेट या फिर किसी को भी बुरा भला कहने का कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आप सबको जागरूक करना चाहता हूँ क्योंकि आप ही लोग हो जिनका पैसा लग रहा है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माई नेम इज ध्रुव नारंग एंड यू आर वॉचिंग ध्रुव नारंग टॉक्स। ओके, गुड बाय बाय।